उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज फरीदाबाद में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की और जिले में बनने वाली 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फरीदाबाद में आज 7 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है और निर्धारित समय में इनका काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने बिजली संकट को लेकर कहा कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में 22 दिन के कोयले का भंडार मौजूद है और अब मानसून भी समाप्त हो चुका है और अगले 10-12 दिन में नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगी। या तो नींव पत्थर रखा गया है या शुभारंभ किया गया है, जो फरीदाबाद के विकास के लिए डेडिकेटेड यूटिलाइज आने वाले दिनों में होंगे या आज से होना शुरू। हमारे पास आज के दिन भी 22 दिनों का कोयला पर्याप्त मात्रा में हमारे अलग अलग थर्मल में हो रहा है और मानसून क्योंकि लगभग पूरे देश भर में समाप्त हो चुकी है, हमें उम्मीद है कि अगले 10-12 दिन जो फ्लो ऑफ कोल है वो रेगुलर रहेगा। किसान आंदोलन पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार है, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी आम जन को असुविधा का सामना ना करना पड़े। मैं तो एक चीज कह सकता हूं, आज आप लोग चैनल पे अखबार में काम करते हैं, आपका भी विरोध यूट्यूब और ब्लॉग वाले कर देते हैं, आप उनका विरोध कर देते हैं। विरोध तो सबका अधिकार है, संविधान ये अधिकार देता है, मगर अगर चुनावी प्रक्रिया के अंदर कोई विरोध के माध्यम से बाधा डाले तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सख्त कार्रवाई।